नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं RRB LP की। LP में जो आंसर की आई है उसमें काफ़ी सारी गड़बड़ियां हैं, बहुत सारे क्वेश्चन गलत हैं। तो उसकी ऑब्जेक्शन का जो लिंक दिया गया है या फिर जो आंसर की डाउनलोड करने का लिंक, वो ओपन नहीं आ रहा। इसके लिए बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे कमेंट आए, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया आप सबके लिए। देखिए इसमें क्या करना है, कब तक ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, कब तक दूसरी आंसर क्या है, इस सब के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाएगा, जिससे कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए और आप कोई भी अपडेट या न्यूज़ मिस ना कर पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इस वीडियो में सबसे पहले तो आप गूगल पर जाके RRB डालिएगा, केवल RRB डालिएगा गूगल पर जाके। उसके बाद यहाँ पर जो तीसरा लिंक आएगा, ये वाला लिंक, इसको आप ओपन कीजिएगा। यहाँ ओपन करेंगे आप तो जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्ड यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। इसमें से आप, ज़रूरी नहीं कि आपने जिस बोर्ड से अप्लाई किया है आप उसी बोर्ड पे क्लिक करें। मान लीजिए मैंने भोपाल से अप्लाई किया तो मैंने भोपाल पे क्लिक कर दिया। जनरली बच्चे ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे देखिए आप कहीं भी ALP का वो लिंक नहीं मिलेगा जिससे आंसर की डाउनलोड होती है या फिर ऑब्जेक्शन होगा, वो लिंक हटा दिया गया है। यहाँ पे कुछ दिन पहले था लेकिन लिंक हटा दिया गया है। तो फिर बैग जाइए, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर और कोई भी देख लीजिए, कोई और बिलासपुर, मान लीजिए मैंने बिलासपुर टिक कर दिया, बिलासपुर में देखिए यहाँ पे कहीं दिया होगा, ये देखिए साइड में यहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया। यहाँ पे देखिए ALP की जितने भी लिंक आई है वो दिया गया। यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको नया लिंक जो है वो दिया गया है। यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर फर्स्ट स्टेज CBT CN01 2018 LP & Technician। तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे। आपको मान लीजिए आप चाहे आप किसी भी जोन से अप्लाई किए हों, ज़रूरी नहीं कि आप उसी जोन पे क्लिक करके अपना आंसर की देखें या फिर ऑब्जेक्शन करें। आप किसी भी जोन में जाएंगे आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको ये मैसेज दिखाई दे रहा, द ऑब्जेक्शन ट्रैकर इज टेम्प्ररी नॉट अवेलेबल, द लिंक विल बी मेड लाइव फ्रॉम 31 सितंबर 2018 टू 25 सितंबर 2018। मतलब कि अब ये 21 सितंबर को फिर से आएगा, लिंक बंद कर दिया गया है। 21 सितंबर को अब फिर से लिंक को ओपन किया जाएगा, रीओपन किया जाएगा। हो सकता है कि 21 सितंबर से पहले ही दूसरी आंसर किया आ जाए, दूसरी जो आंसर किया जाए, सेकेंड आंसर किया जाए, जो जिसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत है, उन सब क्वेश्चन को क्वेश्चन को हटाने के बाद दूसरी आंसर की दे दी जाए, या फिर हो सकता है फिर से लिंक वही ओपन कर दिया जाए जितने भी ऑब्जेक्शन गए हैं उससे उसी बेसिस पे। तो अभी तक ज़्यादा ऑब्जेक्शन तो नहीं गए हैं क्योंकि लिंक कभी ओपन हो रही थी, कभी बंद हो रही थी, कभी ओपन हो रही थी, कभी बंद हो रही थी, ऐसा ही चल रहा था। लेकिन अभी फ़िलहाल पूरी तरह से इसको बंद कर दिया गया है 21 तारीख तक। 21 तारीख के बाद ही ये ओपन होगा और 5 दिन का आपको टाइम मिलेगा, उस बीच आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों यही न्यूज़ थी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तभी सभी स्टूडेंट तक पहुँच पाए। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हैं बिल्कुल सही होंगे वो क्वेश्चन, आपको उस क्वेश्चन के नंबर ज़रूर मिलेंगे और बिल्कुल मिलेंगे। क्वेश्चन गलत हैं तो गलत हैं, क्योंकि RRB ऐसा भी नहीं करेगा, नहीं तो ये वैकेंसी कोड में चली गई। इसलिए वो ज़रूर लिंक एक बार ओपन जरूर रहे कि आप ऑब्जेक्शन अपना दर्ज कर सकें, ताकि वो री आंसर की होती है उसको अपलोड कर सके या फिर फाइनल आंसर की अपलोड कर सके जिसमें कोई आंसर गलत ना हो। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।